असलम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अनबॉक्सिंग की टीम आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई है। प्रोडक्ट्स हमारा वो ही ब्लूटूथ ओरिजिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये एयरबड्स के बाद जब सीरीज शुरू हुई थी तो मैंने शुरू आपसे कहा था मुख्तलिफ ब्रांड्स के एयरबड्स आपके सामने लेके आए थे। इस दफा जो प्रोडक्ट आपके लेके आए वो सैमसंग की मास्टर क्लॉन कॉपी है, जो गैलेक्सी बर्ड्स प्रो के नाम से मार्केट में लॉन्च की गई थी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉपी है और लो लेटेंसी रेट, स्पेशल गेमर्स के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को आज हम आके जाकर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट में आपको दिखाता चलूँ, इसके आउटस्टैंडिंग आपको कैमरे में नजर आ रही है। गैलेक्सी बर्ड्स प्रो आप देख रहे हैं इस वक्त आपको नजर आ रही है। यही वो प्रोडक्ट जिसको हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसको कनेक्ट करके पेयर करके चेक करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। और ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरह बिक रही है और इस वक्त बहुत अच्छी सेल दे रही है अपनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये चूंकि उसकी मास्टर रेप्लिका है, अच्छी क्वालिटी की कॉपी इन्होंने बनाई है, बिल्कुल जेन्युइन की तरह इसकी क्वालिटी दी है उन्होंने, तमाम फीचर उसी तरह दिए हुए हैं। क्योंकि जेन्युइन आपको पता है मार्केट में बहुत महंगी होती है और यहाँ पर यहाँ बाइंग पावर लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा मास्टर रेप्लिका उनको मार्केट में अवेलेबल मिल जाए तो वो ज़्यादातर वही ले लेते हैं। जबकि जेन्युइन प्रोडक्ट होती है तो उसकी क्या उसकी तो बात ही अलग होती है। जेन्युइन प्रोडक्ट हमेशा जेन्युइन होती है, लेकिन इसकी मास्टर रेप्लिका है लेकिन आउटस्टैंडिंग साउंड क्वालिटी के साथ है। इसी प्रोडक्ट को हम चलते हैं अब ये जरा अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स जरा डिस्कस करते हैं। आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। जी व्यूअर, सेकंड सेगमेंट अनबॉक्सिंग, आइए चलते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, आइए हम जरा प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। गैलेक्सी बर्ड्स प्रो इस वक्त आपको नजर आ रही है, मैं बॉक्स ओपन कर चुका हूँ, इस वक्त आपको नजर आ रही है, कैमरे में आप देख रहे हैं बर्ड्स और एक केस के साथ पड़ी हुई और इसके साथ इसके जो डिफरेंट एक्सेसरीज है वो पड़ी हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले इसके एक्सेसरीज खोलते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या दी हुई एक्सेसरीज में। जी व्यूअर्स, सबसे पहले उन्होंने एयर टिप्स दी हुई हैं जो हर एयरबड्स के साथ आती हैं, साइजेस मुख्तलिफ होती हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नजर आ रही हैं। इसमें तीन साइजेस दी जाती हैं बेसिकली, स्मॉल, मीडियम और लार्ज आपको नजर आती हैं, ठीक हो गया। जिसमें आप एक इसमें ऑलरेडी लग के आती है जो आप जो आपके कान के मुताबिक सेट हो सकती है आप उसको लगा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन कर चुका हूँ, दो पीस उसके अंदर ही पड़े हुए हैं, ये आपको इस वक्त नजर आ रही है एयर टिप्स। अपने कान के हिसाब से आप इसमें जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक इसके साथ टाइप सी की केबल दी गई है इसकी चार्जिंग के लिए, ये आप देख रहे हैं वन साइड यूएसबी और एक साइड इसकी सी की केबल है जो आप चार्ज कर सकते हैं। ये केबल मैं चार्जिंग केस में लगा के आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी सी। ये भी इस वक्त देख रहे हैं आपको, ये मैं इसमें कनेक्ट कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, या पावर बैंक से या किसी भी वॉल चार्जर से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ इसके अलावा एक लाइट दी गई है जो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी, जब आप इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, चार्ज नहीं होती तो रेड होती है तकरीबन, और जब आप इसको चार्ज करते हैं तो ग्रीन हो जाती है। मैं अपने पावर बैंक से थोड़ा सा इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये जो सर मैं पावर बैंक उठा चुका हूँ और ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइट दिखा सकूँ। ये देखें मेरे साथ नज़र आ रही है, इसमें ब्लिंक हो रही है, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है क्योंकि इसमें इस वक्त चार्जिंग नहीं है। अगर जब ये फुल हो जाएगी तो ये ब्लू पे कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा व्यूअर्स, अभी हम चार्जिंग केस को थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको भी देखते हैं कि इसमें जो एयरबड्स टिप्स पड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप पर बताता हूँ, सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग में आपको ब्रांड नेम नज़र आया जिसमें लिखा हुआ है साउंड बाय AKG आपको नज़र आ रही है। जब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ कैमरे में जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसको हम अगर हम इसकी थोड़ी फिनिशिंग की बात करें तो मैट फिनिशिंग में प्रोडक्ट बनाई गई है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट बनाई गई है। इसमें वेट बहुत कम दिया हुआ इन्होंने और इसके स्टाइल अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत है। अगर हम इसके कलर्स की बात करते हैं व्यूवर्स, तो इसमें तीन किस्म के कलर आए हैं, फैंटम सीरीज है, फैंटम मैन का सिल्वर, ब्लैक और फैंटम वायलेट कलर, इसमें तीन कलर्स आपके लिए आए हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलर है। मैं थोड़ा सा इसको आपको ज़रा खोल के दिखा देता हूँ, ये देखें सो व्यूवर्स, ये आपको नज़र आ रहा है फैंटम ब्लैक। इस वक्त मैंने आपके लिए प्रोडक्ट खोला हुआ है जो आपको नज़र आ रही है, बहुत ही शाइनी प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा इसके बर्ड्स को निकाल के आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ। जी व्यूअर्स, इस वक्त कैमरे में देखें आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ये ऊपर एरिया आपको देख रहे हैं जो बहुत शाइनी एरिया है जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, और बैक साइड से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ एयर टिप्स और ये मैट फिनिशिंग में बना हुआ है। इसके ऊपर जो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन नज़र आ रही है ये भी हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये थोड़े से मैं आपको ज़रा इन बर्ड्स की पिक्चर्स में ओरिजिनल वैल्यू उसकी पिक्चर आपको दिखा रहा ताकि आपको आइडिया हो सके कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग लुक दे रही है। आइए व्यूअर्स ज़रा चलते हैं इसकी डिटेल फीचर्स की तरफ। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं इसके थोड़े से फीचर्स को डिस्कस करते हैं, थोड़ा मैं एयरबड्स उठा के भी आपको दिखा दूँ, बल्कि मैं सबसे पहले जो फीचर डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके आप सब को जो इसके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। सबसे पहले इसमें बेसिकली तीन किस्म के आपको माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, दो आउटर और वन इनर आपको दिया गया है। अगर मैं इनर स्पीकर की बात करता हूँ तो ये टिप उतार के देखने आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इनर साइड पे दिया गया है। और अगर मैं आउटर की बात करता हूँ तो एक आपको ये नज़र आ रहा है आउटर पे, आपको ये जरा थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ ताकि आपको बहुत ईजी नज़र आ सके। और अगर मैं एक और आउटर साइड वाला दिखा दूँ आपको,
ये आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा इसके साथ दो आपको ये सिल्वर कलर, जो पीतल कलर होता है, या आप इसको कहते हैं कि सिल्वर जो कलर आता है, जो बेसिकली पीतल में आता है, येलोइश कलर, आपको दो कनेक्टर नजर आ रही है, बेसिकली चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। ये चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स इसमें दिए गए, और ये इसके साथ जो आपको ब्लैक किस्म का होल नजर आ रहा है, और एक ये ब्लैक किस्म का होल नजर आपको कैमरे में शायद नजर आ रहा हो, ब्लैक होल से दो बने हुए हैं, ये बेसिकली इसके सेंसर है, यूनिट सेंसर यूनिट्स हैं इसके कनेक्टिंग के लिए। अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर में आपको एक एंटेना ऑप्शन दिया गया है, जो आपको नजर आ रहा है इसमें देख रहे हैं, ये एंटेना ऑप्शन इसमें दिया गया, और ये इसका जो एरिया आपको नजर आ रही है, इसका टच एरिया है, जिसको आप टच करके मुख्तलिफ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं वो भी हम इसकी डिटेल में जाके अभी डिस्कस करते हैं। व्यूवर्स, ये तो इसकी इस एयरबड्स की फीचर थी। अब हम चलते हैं जरा इसकी मजीद फीचर्स की तरफ। व्यूवर्स, अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके स्पीकर्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि टू स्पीकर्स में दिए गए 11 mm वूफर प्लस 6.5 mm ट्विटर दिए गए। स्पीकर बेसिकली ये दो ऑप्शन जो इसमें आपको दी गई है, इसलिए होते हैं कि आपको रिच साउंड की जो फैसिलिटी है वो दी जा सके, और रिच साउंड के अलावा क्या कहते हैं साउंड की जो क्वालिटी होती है वो आपको अच्छी दी जा सके। माइक्रोफोन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसमें तीन माइक्रोफोन है, दो आउटर और वन इनर है, जो मैंने आपको दिखाया भी है इसमें फिजिकली। तो जो वॉइस पिकअप यूनिट और प्लस वाइल्ड शीट की फैसिलिटी इसमें दी गई है। अब हम इसकी जो खास फीचर्स है, जिसमें जो आजकल अच्छे एयरबर्ड्स या प्रो सीरीज में इन्होंने लॉन्च अभी दी है, ये इसमें ANC आपको दिए एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर्स है, जो आपको इससे पहले एक एयरबर्ड सीरीज हमने डिस्कस की तो उसमें भी मैंने आपको कहा था कि फीचर इसमें दी गई है, तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इसमें दी गई है। और इसके अलावा जो गेमर्स हैं उनके लिए लो लेटेंसी रेट दिया गया है, जो कि गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और साउंड क्वालिटी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ बैटरी की तरफ चलते हैं। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चार्जिंग केस हम लेते हैं, चार्जिंग केस की बैटरी जो है वो 472 mAh इसकी बैकअप बैटरी दी गई है। इसमें आप 472 mAh की बैटरी है बिल्ट इन, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी और इनफ टाइमिंग के लिए काफी अच्छी है। अगर हम इसके एयरबड्स की बात करते हैं तो एयरबड्स की जो बैटरी दी गई है वो है 61 mAh की बैटरी दी गई है ईच एयरबड्स की। मैं बात करूँ इसी तरह 61 mAh की बैटरी ईच एयरबड्स में दोनों में अलग अलग दी गई है, तो ये इसकी बड़ी आउटस्टैंडिंग फीचर है। अगर हम चलते हैं इसकी तरफ प्ले टाइम की बात करते हैं, अगर आप ANC ऑप्शन ऑन करते हैं, ANC ऑप्शन ऑफ करते हैं, तो प्ले टाइम की अगर हम बात करें तो 5 आवर्स आपको प्ले आवर देगी, और टोटल तकरीबन विद चार्जिंग केस अगर हम बात करते हैं ANC ऑन हो तो 18 आवर्स तक ये मैक्सिमम आपको दे सकती है। इसी तरह अगर आप ANC को ऑफ करते हैं, अगर आप ANC को ऑफ करेंगे तो फिर प्ले टाइम ये आपको तकरीबन 8 आवर्स देती है, और टोटल विद चार्जिंग केस आपको देगी तकरीबन 28 आवर्स तक ये आपको टाइम दे सकती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो फीचर्स में दिखाई गई है यूज के जो आप लोगों के जो आती है हमें जो प्रोडक्ट जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने हमें ये कहा है कि इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग इन्होंने दी हुई है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाजमी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं, तकरीबन आपको 1.5 घंटा, 1 से 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा आपसे चार्ज करें तो उसको इनफ होता है इसकी चार्जिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको जो ऑप्शन दी गई है QI सर्टिफाइड वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी साथ दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन की हम बात करते हैं तो ब्लूटूथ वर्जन जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेज हैं वो 5.0 में आपको दी गई है। ब्लूटूथ वर्जन जितने भी हैं वो 5.0 जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेज आ रही हैं उसमें आपको 5.0 दिया गया है। इसके अलावा एंड्रॉइड 7.0 हायर विद मोर देन 1.5 GB ऑफ रैम आप यूज कर सकते हैं। सेंसर देखें अगर गायरो प्रॉक्सिमिटी हॉल टच वॉइस पिकअप यूनिट और VPU की फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। वाटर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं IPX7 इसमें दिया गया है, मतलब वाटर प्रूफ में वाटर रेजिस्ट ही कहूंगा कि वाटर रेजिस्ट होती है, लेकिन ये सिर्फ एयरबड्स IPX7 होती है, चार्जिंग केस नहीं होती। ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम IPX7 की बात करते हैं तो ये सिर्फ हम इस एयरबड्स पीस की बात करें कि जो IPX7 की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, नॉट चार्जिंग केस। व्यूअर्स, ये थी इसकी फीचर्स, आइए अपनी लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रोडक्ट गैलेक्सी बर्ड्स प्रो सैमसंग की मास्टर रेप्लिका, जो डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर फिजिकली अपना प्रोडक्ट यूज करना है तो UMC कम्युनिकेशन सिंगापुर प्लाजा 3rd फ्लोर पे आप आके विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट, बेहतरीन किस्म की क्रोम बनाई गई है और बहुत ही अच्छी फीचर्स में जो फीचर्स थे वो मैंने आपसे डिटेल में इसके डिस्कस किए हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो आपने पूरी देखनी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उसके लिए एयरबर्ड्स प्रो गैलेक्सी की जो मास्टर क्लोन है इसकी प्राइस होगी 4,000 रुपीज, जो स्पेशल ऑफर है सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं हूं आपको उस्मान जहांगीर, आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक गुरु।